हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है मैंगो शेक विद आइसक्रीम। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो कुछ ना कुछ ठंडा तो हमें चाहिए ही। तो देखिए, ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया और 3 से 4 मिनट ही बस लगे हैं इसको बनाने में, मैंगो शेक बनाने में। और देखिए, ये मैंने ले लिया है एक आम, इसको मैंने पीसीस में कट कर लिया है। और ये ले लिया है मैंने मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे पीसेस हम सारे, जो मैंगो के पीसेस कट करके रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे। और ऐड करेंगे हम दूध, 2 कप दूध हम इसमें डाल लेंगे, जो मीडियम साइज़ के कप होते हैं वाले कप, हम 2 कप इसमें दूध ऐड कर लेंगे। अब कप जितने कप दूध डाला है उसके अकॉर्डिंग हम शुगर डाल लेंगे इसमें। 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और हम डाल देंगे एक जो स्पून होती है आइसक्रीम वाली, वो 1 स्पून आइसक्रीम डाल लेंगे इसमें। और इसको अच्छे से हम मिक्सी में चला लेंगे, अच्छे से चलाएंगे जिससे कि आम के पीसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब डाल देंगे हम कुछ आइस क्यूब्स, ज़्यादा ठंडा बनाना है तो 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल देते, अदरवाइज़ तो 2 ही काफ़ी हैं। और अब हम ये देखिए बन के रेडी हो गया है, अब सर्व कर देंगे इसको। और इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे सर्व करते टाइम, हम इसमें जो आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम हम कुछ कोई भी ले सकते हैं, वनीला आइसक्रीम हो, टूटी फ्रूटी वाली आइसक्रीम हो, और बटर स्कॉच हो, कुछ भी हो वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने आइसक्रीम रख ली है और इसमें थोड़े से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो बस मैंगो शेक विद आइसक्रीम बनकर रेडी हो गया है, 3 से 4 मिनट बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप भी बनाइए, गर्मियों का मौसम है, और इन्जॉय कीजिए। Thank you so much for watching my video.